दोस्तों नमस्कार। गर्मी भीषण है, पसीना छूट जाएगा कुछ ही पलों के बाद, लेकिन इस गर्मी को कम भी किया जा सकता है। थोड़ी सी सावधानी और थोड़े से आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा। इस मामले को बहुत ही सहज ढंग से समझा रहे हैं शहर के लीडिंग फिजिशियन डॉक्टर सुदीप सरन, जो स्टेशन रोड माल गोदाम पर सरन अस्पताल नाम से एक बड़ा अस्पताल रन करते हैं और शहर के नामचीन फिजिशियन भी हैं। गर्मी को लेकर हमने जब उनसे बात की है, तब डॉक्टर सुदीप सरन कहते हैं कि पेट भरकर पानी ठंडा पी लें, घर से अगर निकलें सुबह की बेला में ज़्यादातर अपने काम निपटा लें, दोपहर 1 से लेकर शाम 4 बजे तक ना ही निकले घर से तो ज़्यादा बेहतर है। पहनने में खास तौर से काटन के सफेद कपड़े पहने, जिससे गर्मी ज्यादा न सताए। क्या क्या सावधानियां और क्या क्या टिप्स डॉक्टर सुदीप सरन ने इस गर्मी को लेकर बताए हैं, आइए गौर से सुनते हैं उनकी बात। हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू साथियों। डॉक्टर सुदीप सरन का प्यार भरा नमस्कार। डायरेक्ट सनलाइट, बढ़ा हुआ टेम्परेचर, शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन, हर कोशिका में डिहाइड्रेशन एवं हमारी पिट्यूटरी का ग्लैंड के ऊपर जो सेंटर है उसके ऊपर प्रभाव पड़ने से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और कुछ ही घंटों में जान के लाले तक पड़ जाते हैं। तो ये तो मैंने मेडिकल के प्रभाव बताए, अब हमें करना क्या चाहिए। गोल्डन रूल नंबर 1, हर 1 से लेके 2 घंटे में बहुतायात में पेट भर के पानी पीजिएगा, ठंडा पानी पीजिएगा। ठंडा पानी ज़्यादा पिया जाता है सामान्य पानी के मुकाबले। नंबर 2, डायरेक्ट धूप से बचिएगा। उसके क्या तरीके हैं, छाता लगाइएगा, सफ़ेद कपड़े फुल बाजू के पहनिएगा। आपने देखा होगा अरब कंट्रीज़ के अंदर जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पूरे सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, केवल सूरज की किरणों के सीधे प्रभाव को रोकने के लिए। इसके अलावा ज़्यादातर अपने काम सुबह के बेला में ही कर लीजिएगा, दोपहर 1-2 बजे के बाद फिर ना निकलें या फिर उसके बाद शाम को कहीं जाएं। अगर अत्यंत जाना हो आवश्यक है तो आप किनारे किनारे चलें जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा छाया मिलने लगे। कोई मेहनत का काम ना करें, जैसे कि आमतौर पर किसान लोग आजकल की गर्मियों के दिनों में अपने खेती प्रातः ही बेला में कर लेते हैं। अगर आप कोई बहुत हैवी का काम दोपहर में करेंगे तो आपको मूर्छित होने की संभावना कहीं बहुत ज़्यादा है। फल खाएं, फलों के रस लें, नींबू की शिकंजी लें, अपने जो देसी हमारे पुदीना है, आम की चटनी है, आम का पन्ना है, इन चीज़ों का सेवन करें। और इसके अलावा चश्मा लगा के रखें। कुल मिला के आपको धूप से बचना है, पानी ज़्यादा पीना है और यदि प्रारंभिक लक्षण तबीयत खराब होने के हो रहे हैं तब समय ना गवाइएगा, तुरंत लेके जाइएगा। और जब तक आप अस्पताल तक नहीं पहुँचते हैं, एक घरेलू उपचार ठंडे बर्फ़ के पानी की पट्टियाँ अपने शरीर पर रखते जाइएगा। एक बाल्टी में बर्फ़ कुचल के डाल लीजिएगा, उसमें 2-4-5 कपड़े डाल लीजिएगा और अगर तापमान बहुत बड़ा हुआ है पूरे शरीर के ऊपर लगातार पट्टियाँ रखते रहिएगा, कुछ नहीं तो बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा दीजिएगा और तुरंत कहीं अस्पताल पहुँच के AC कमरे में रखिएगा, छांव में रखिएगा, कूलर लगाइएगा, जल्दी से जल्दी तापमान कम करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे छोटे बच्चे हीट स्ट्रोक से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, गर्भवती महिलाएँ खास तौर से ध्यान रखें, बुजुर्ग ध्यान रखें और यदि आप किसी डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं तो ध्यान रखें। उल्टी दस्त हो जाए तो समय न गवाएं, तुरंत आप मेडिकल संस्थान जाके ग्लूकोज की बोतल लगवाएं और पानी या कोल्ड ड्रिंक या फलों के रस बहुतायात में पीते रहें।